बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आधुनिक इंडिया का एडिटर, हम ट्राइबल के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप हमको सहयोग करेंगे। जरूर। आपने अपने बारे में थोड़ा हमें बताएंगे, आपका जन्म और आपको कार्य के लिए कैसे कैसे आपने पद्मश्री के लिए नाम आपका नामित किया गया? हमको तो आपने से नहीं किया, लेकिन जो करता है सब जाता है, पद्मश्री मिलता है या कुछ करता है, गवर्नमेंट हमको बोलता है आप क्यों नहीं लिखते हैं, बोले अपने आप क्या लिखेंगे, आप लोग लिखे, डीसी लिखेगा, एसपी लिखेगा, बाद में लोग बोलता है ठीक है सर हम लोग लिखते हैं, क्योंकि आप सब चीज़ करते हैं, सब जगह जाते हैं, स्कूल बोल चुके मैं शुरू किया एकदम गाँव गाँव में, घर घर में, घर घर ओड़ा ओड़ा चला होता है, घर घर में जा करके उसके बाद पुस्तक लिखा, पुस्तक लेकर गाँव गाँव में बांटा, सबसे पहले आज से 10 साल पहले सब एकदम पूरा गांव में सबको इकट्ठा किया, उसके बाद तुम पढ़ो, और अगर कहीं कॉलेज में पढ़ा चाहता है फ्री और हम पढ़ा देंगे, ऐसे करके शुरू किया। और सबसे पहले तो ट्राइबल लोगों का, बल्कि नॉन ट्राइबल जहाँ खड़िया को और बीफ और लोग हैं वो अभी भी नहीं करता है, अभी भी नहीं करता है, उसके लेकर काम शुरू करता है, शुरू कर दिया, जहाँ खड़िया लोग हैं उसके यहाँ क्लास क्लास शुरू करवा दिया, उस पर जाते हैं नहीं तो रहते हैं वहीं पर उन लोगों के साथ, क्योंकि मनुष्य सब बराबर है, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी, मनुष्य तो मनुष्य है, उसको फैसिलिटी नहीं मिलता इसीलिए स्थिति है, देखना है सबर है, सबर तो गांव के बगल में है, हम लोग का कोई नहीं पढ़ता, प्रोत्साहित कर वहाँ स्कूल खोल दिए फिर भी नहीं जाता है। अच्छा उनका क्या होगा, और भी बहुत काम करना पड़ेगा है ना, उनके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, उनके साथ बात करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, हमारा तो ऐसा पैदाइश हुआ है घर में, क्या वो जो जंगल जाते हैं जो वहाँ पौधा लो करके आते हैं खाते हैं बस होते हैं, आज जिसके घर में कुछ जाते हैं तो कुछ मिल जाता है, तो आपके बराबर सब लोग तो गाड़ी में चलाता है, वो एरोप्लेन चलाता है, क्या उसके घर में बनता है सब नहीं बनता है, तो आप चढ़े कभी नहीं, क्यों नहीं चढ़े, चलिए आप चढ़े नहीं, कहीं गिर जाएगा तो ये ना अनुभव तो होना चाहिए, आप पैदल में चलते हैं वो तो कभी पैदल नहीं चला, उसको बोले पैदल चले बोले काटा तो नहीं लगेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम लोगों का अपना अपना सब है। आपका पढ़ाई जन्म उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और अपना जन्म कहाँ पर हुआ, कैसे आप तो एक खेती परिवार में जन्म लिया था आपने, खेती परिवार, हाँ तो थोड़ा सा बताएंगे बैकग्राउंड परिवार का, उसको छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, उसमें भी लिखा हुआ कुछ तो कुछ लिखे हुआ है, 26 अक्टूबर 1939 हाँ, थोड़ा सा बताएंगे, हम परिवार में पढ़ा लिखा लोग कोई नहीं था, पढ़ा लिखा लोग नहीं था, हमारा दीदी का जो शादी हुआ हमारा मामा घर में जहाँ हुआ, हमारा पिताजी का मामा घर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं पढ़ते हैं, जमशेदपुर के भीतर में तेलको का बगल में एकदम जी बताए, तो बोलते पढ़ाई भी जरूरी है क्या, हम क्या काम करेंगे, हमको बोलते किसको काम करेंगे, बोले नहीं किसको हम नहीं काम करना, हमको किसको में हमको काम नहीं करना है, और हमारा भाई एक तो था बोलता है लोहर खाना में हम काम करेंगे, हम तो खेती बाड़ी करने वाला आदमी है लोहर खाना में काम करेंगे, बाद में वो पढ़ा और इंजीनियर है, अभी तो बहुत बड़ा इंजीनियर है इंडिया का, रमेश संस्था डॉक्टर रमेश संस्था इंजीनियरिंग कॉलेज के एक ये है बहुत अच्छा, तो हम तो चले गए होता है, उसके बाद जो है गाँव गए वहाँ तो सब लोग पढ़ता है, तो तू कहने पड़ता है पैसा लगेगा, उतना पैसा था हमारा घर पर देगा, तेरे पैसा देगा नहीं देगा हम लोग पढ़ा देगा आपको, ठीक है, और उसको जो निकला उसका घर नहीं निकला, घर नहीं घर में आया, घर से निकला स्कूल चला गया, स्कूल का ये का शांति निकेतन का स्कूल चलाता था, शांति निकेतन, शांति निकेतन के वो लोग वहाँ पर स्कूल चलाता था हाई स्कूल, तो उसके साथ देखते हैं आपको देखते हैं थोड़ा सा अच्छा लड़का है, तो वो बोलता है ये भाई आप चलिए ना हमारा साथ शांति निकेतन, हम चला गए, तो हाफ पैंट पहना
हाफ साल पहना बस चले गए, साल नहीं गए, बुध गया, उसका बुध गया गया। तो देख वहां पे गाछ का नीचे पेड़ का नीचे में पड़ता है तो हमारा तो घर है, पेड़ का नीचे क्यों, हम लोग घर में पड़ता था। उसके बाद में बोलता है ना यही सब होगा सब, अपने आप देखिए क्या क्या पड़ता है। उसको देखने के बाद में हम वहां से वहां बहुत दिन रहा, ये का क्या रविन्द्रनाथ टैगोर का घर में, रविन्द्रनाथ टैगोर के घर में तो नहीं था, तो उसका और एक तो था क्या नाम उसका ना बोल रहे उसके घर घर में रहता था, वो बोलता यही रही है गाछ के नीचे में पड़ता है, आपके यहाँ तो बहुत गाछ है, अगल बगल में बहुत गाछ है, पूरा गाँव का लोग पढ़ सकता है। उसके बाद वही शुरू किया, वही शुरू किया, उसके बाद फिर मेट्रिकुलेशन दिया, उसका इंटर किया, बीए किया, एमए किया, सब कुछ किया। तो बोलता है किसको आया, बोलता है कि नौकरी करना है, बोलता नहीं नौकरी, हम लोग लोहार खाना में काम नहीं करना हुआ, हम तो खेती बाड़ी करने वाला आदमी है, लोहार खाना में काम करेंगे इन्हें लोग हंसेगा। आपने मेट्रिकुलेशन कहाँ से किया था? आप मानपुर हाई स्कूल, जिला स्कूल मानपुरा, मानपुर हाई स्कूल पड़ता है, पड़ता वाला लोग जो है उसका स्कूल चलता है, वही लोगों का स्कूल है। अच्छा, उन लोगों के साथ का हमारा बहुत घरेलू संबंध हो गया, इसीलिए बोलता है चलो तुम शांति निकेतन, पर शांति निकेतन नहीं जाना तो यहाँ पढ़ेंगे, तो हमको रांची में भर्ती कर दिया, रांची में, रांची में, रांची में क्या पढ़ना है उसको मालूम नहीं है, पढ़ना है लेकिन रामचाल मुंडा हमारा क्लासमेट रह गया। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी कर क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस को हमको बोलता है तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी एक साथ में ग्रेजुएशन। राम दयाल मुंडा के साथ मतलब बहुत करीबी थे, एकदम घर का संबंध है। अरे किस रूम में रहते थे? तो आपको जो आदिवासी महिलाओं के लिए आपने जो कार्य किया, ऐसे आपको कहाँ से देख के प्रेरणा मिली कि किस तरह से आपने सोचा कि इस तरह पे वर्क करना चाहिए? नहीं, हम लोग क्लास में बहुत सारी लड़की थी, देखते हैं कि इस बात से गांव में पूछते हैं, बोले क्यों नहीं पढ़ता है, पर पढ़ लिख करके क्या करेगा, वो तो पढ़ लिख कर तो कोई काम नहीं करेगा, वो तो घर में जाएगा, कहीं पर किसी घर में जाएगा, वहीं पर रहेगा, नहीं नहीं बोलते पढ़ना पढ़ाएंगे। उसके बाद तो एडमिशन करा दिया सब लोगों ने। आज जिसके घर में कुछ नहीं था वो लोग तो बोलता हम लोग कैसे पैसा देने, तो सरकार सरकार की सरकार से दिला दूंगा, वही लोग बहुत ब्रिलियंट होता है, जो गरीब है ना वो सबसे ब्रिलियंट होता है, सोचता है दिमाग बहुत उसका तेज होता है, मतलब उनको सही दिशा मिल जाए, सही चीज मिल जाए तो आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसको तो आगे देखना है ये जो बढ़ सकता है क्यों नहीं बढ़ सकता, इसीलिए ये लोग बहुत। एक बात ये है, अभी सरकार जो है जनजाति मंत्रालय आदिवासियों के लिए बहुत कुछ ऐसा कर रहा है, स्कॉलरशिप वगैरह दे रहा है, लेकिन सुदूर गांव में अभी तक इसका पहुंच नहीं हुआ। नहीं, 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 नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो हम बहुत जगह दूसरा जगह जाते हैं ना, इसलिए बहुत कम करते हैं सब काम, क्योंकि सरकार के साथ में जुड़े हुए हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर है हमारे, सबका कर बोर्ड ऑफ गवर्नर का, इसलिए यूनिवर्सिटी को देखने में सुविधा होगा। अरे जितना बोर्ड ऑफ गवर्नर किसका है, बोध गया का, साउथ इंडिया का, ईस्ट बंगाल का जो है ना जोका है, जोका में से है ना उसको, उसके बाद आसाम सब सब, उसके बाद नागालैंड हो गया, इसके बाद हो गया साउथ का, इसके बाद ऑल ओवर इंडिया को हमको ये कर दिया, देख लीजिए क्या करता है लोग, ट्राइबल लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरकार ने तो निष्क्रिय है या क्या ना, उसमें से पढ़ने का रुचि है कि नहीं, क्योंकि मनुष्य का ये तो पेन तो सबका करीब करीब एक है, उसको एक्सरसाइज करना है, एक चाकू लिया, चाकू अगर उसने धार नहीं किया तो बेकार हो जाओगे, लेकिन उसमें अपना एक चाकू इतना जब किसी किसी का ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हो कर जाता है, उसको अगर थोड़ा सा भी अगर शिक्षा दीजिएगा तो उन लोग से भी आगे बढ़ सकता है, उसी के प्रचार हम करते हैं। सभी समाज मानता है कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है
जिससे समाज का डेवलपमेंट हो सकता है, आपको क्या, आप क्या मानते हैं? हम उसको मानते हैं। हमारे गांव में हमारे भाई एक छोटा सा भाई था, अभी जो है वो वहाँ से मामा घर है स्कूल बहुत दूर एक नदी के किनारे, वहीं पर आते थे, वहीं पढ़ता था। पढ़ने के बाद मैं बेंगलोर चला गया, बेंगलोर में साइंटिस्ट बन गया, उसके बाद पैसा नहीं था अमेरिका इंग्लैंड जाने के लिए, तो आया हमारे पास दादा, बोलता क्या करेंगे, पढ़ना बहुत जरूरी है हमको। तो उसके बाद में उसको टिस्को को उसको बोले कि ये लड़का है पढ़ना चाहता है, इसको थोड़ा मदद कीजिए। मैंने उसको बोला कि तुम क्या ब्रिलियंट लड़का है, तुम टिस्को में काम करो। हमको बोले दादा आपको काम करने के लिए नहीं दिया था, बोलता ऐसे काम करो, तो बोल दिया ये सब। अभी भी हमको याद है, अभी एक लोहार खाना में मुझे काम करना नहीं है, लेबर का काम नहीं करेगा, नहीं लोहार खाना में काम करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मैं लिखूंगा पढ़ूंगा ये सब। उसके बाद में क्या किया, वो पढ़ना शुरू किया, फिर चला गया वहाँ से उसका पॉलिसी की स्क्रिप्ट जो है वो सबसे पहले उन्होंने आविष्कार किया पॉलिसी के वाला कंप्यूटर, उसके बाद किताब लिखा बहुत सा, फॉन्ट वही डेवलप किया था। डॉक्टर रमेश हंसदा नाम है, वार्ड में नाम है उसका। अभी मैं अरुणाचल का दौरा किया था, जहां पर मुझे कम से कम बीआरओ के लिए मैं गया था वहां के लिए, तो मुझे वहां पर संथाली लोग काफी मिले, बहुत ज्यादा हम भी धुमका के। मैंने इस अखबार के जरिए में वहां पर लिखा है कि किस तरह से वहां पर हमारे आदिवासियों का शोषण हो रहा है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर कभी अगर आप अरुणाचल जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, तो उस चीज को उन आदिवासियों को एक बार जरूर देखें, क्योंकि वहां पर एडुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी भी उनको ऐसा काम कराया जाता है, अभी आपने जस्ट बोला कि वो हम लेबर काम के लिए नहीं कर रहे, लेकिन इनको बहला फुसला कर वहां पर ले जाया जाता है, और वो भी संथाल ट्राइब्स है बहुत ज्यादा। तो कृपया इस पे आप थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कीजिएगा, गवर्नर वगैरह को जो भी है आप अपने तरह से अगर इसको पढ़ के तो दौरा जरूर कीजिएगा, और वहाँ का संथाल लोग जो भी है माइग्रेट जो हो रहे हैं उसको रोकने की आप कोशिश करेंगे, मुझे उम्मीद है। आसाम में तो सबका बिहार का झारखंड से सब लोग हैं, मैं खुद भी गया हूँ, मैं भी हम झारखंड से छत्तीसगढ़ से हम गए हैं, हम भी आसाम से हैं, चाय बागान में वर्किंग है। तो यही है, तो क्योंकि आप अभी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपका बात अभी आप कुछ भी बोलते हैं तो सरकार आप उस चीज को ध्यान देगा, मुझे उम्मीद है। तो बस आज के लिए इतना ही, कभी और मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।